सोचिए कि अगर आप अपने बच्चों को घर पर किसी आया के हवाले छोड़कर चले जाएं और आपके पीठ पीछे वो आया आपके ही बच्चों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण करा दे। ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसी से कुछ मिलता जुलता एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें ऐसे लोग आरोपी हैं जिन्हें बच्चों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनम शर्मा और आप देख रहे हैं आयुध मीडिया। आज हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आए एक बड़े मामले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां मासूम और बेसहारा बच्चों का धर्मांतरण एक लंबे समय से चल रहा था और धर्मांतरण कराने वाले भी समाज के ऐसे लोग हैं जिन्हें बकायदा इन बच्चों की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। दरअसल राजधानी भोपाल में स्थित आंचल चाइल्ड होम्स में अचानक राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने छापा मारा। इसके बाद जो पता चला इसे सुन करके हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि इस संस्था में अधिकारियों को ऐसे लोगों से जुड़े दस्तावेज मिले हैं जो कल तक चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के लिए काम करते थे। दरअसल चाइल्ड लाइन फाउंडेशन के तहत अलग अलग जगहों के एनजीओ की मदद से जरूरतमंद बच्चों की मदद की जाती है। इसी के तहत भोपाल में भी जिस एनजीओ को चाइल्ड लाइन संचालित करने के लिए जिम्मेदारी दी थी, उस एनजीओ के कर्मचारी ऐसे बच्चों को ढूंढते तो जरूर थे, लेकिन उन्हें ढूंढ करके अपने इस संस्था में डाल देते और उन्हें CWC के सामने भी पेश नहीं करते थे। ये समाज के तथा कथित जिम्मेदार लोग आम जनता के सामने तो समाज सेवी और बच्चों के हितोषी दिखते हैं, पर ये अपने ही संस्थान में इन बेसहारा बच्चों को रखते हैं और जिसके बाद में शुरू होता है इनके धर्मांतरण करने का खेल। और कोई गिनती नहीं है कि आज तक इस संस्था के द्वारा कितने बच्चों का धर्मांतरण हुआ है और शायद कितने ही बच्चों की इस संस्था के द्वारा तस्करी की गई होगी। तस्करी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि ये संस्था पूरी तरीके से अवैध रूप से संचालित हो रही थी, और दूसरी ये कि यहाँ कितने बच्चे आए, कहाँ से आए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बता दें कि संस्था में कुल 68 बच्चियां मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब अधिकारी वहां पहुंचे तो केवल 41 बच्चियां ही संस्था में मौजूद थी और बाकी बच्चियां कहाँ हैं कोई खबर नहीं है। साथ ही इस संस्था में बच्चों को ईसाई धर्म की किताबें पढ़ाई जा रही थी, ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाई जा रही थी, जबकि कुल बच्चों में से 75% बच्चे जो हैं वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंका नुनगो ने भी मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से पूरे सबूतों के साथ भी जब वो पुलिस स्टेशन में बैठे रहे, उन्हें 3 घंटे तक स्टेशन में बैठना पड़ा, जिसके बाद भी पुलिस ने FIR दर्ज करने से मना कर दिया, और जिसके बाद में अब जाकर पुलिस द्वारा इन सभी आरोपियों पर FIR दर्ज करी गई है और फिलहाल अवैध रूप से संचालित आंचल बाल गृह में ताला लटका मिला है। आंचल बालिका छात्रावास में कोई मौजूद नहीं है, ताला लगाकर प्रबंधन और स्टाफ फरार हो गए हैं। वहीं आंचल बाल गृह से पुलिस ने रेस्क्यू कर दूसरे बाल गृह में 41 बच्चियों को शिफ्ट कर दिया है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आयुध इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी मौजूद है, अगर आपने वहां से फॉलो ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।